से चला जाए वापस। ऐसा लग रहा है कि आप प्रवचन का बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो आया है वो जाएगा, ही ठीक से जाएगा। बस वही है, जो आया है वो जाएगा। चिंता मत कीजिए, कल फिर से आएगा। तो हाँ, हमारी वेब सीरीज में सबसे बड़ी जो खास बात रही वो मैं हमारे डायरेक्टर साहब को उसका पूरा शेयर है इसमें, क्योंकि आपने अभी देखा कॉमेडी करना आसान बात है। और डायलॉग सीखते हैं आप डायरेक्ट इन बिटवीन डायलॉग को किस तरह इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। और उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो जितना भी आप देख रहे हैं, जो भी आपको उसमें अच्छाई नजर आ रही है, उसको बन पाया अच्छा, बहुत बड़ा उनका योगदान। कोर्ट और केस दोनों हो जाएंगे। विनी, आप कुछ बता रहे हैं, आप वो हैं कि पत्नी हैं, क्या हैं? हेलो, या वेल, मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक इट विल बी करेक्ट। हम कौन वो है, कौन पत्नी है, कौन क्या है? देखिए आप इसमें ना ही पड़े तो मैं इनकी मदद कर देता हूं इसमें। आप ये और वो पे ध्यान मत दीजिए। exactly. आप ये जो ये और वो के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ, आप मुझ पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ये दोनों के बीच में जो पार्टों के बीच में जैसे मैं पिस रहा हूँ, आप उस पे ध्यान दीजिए, आपको ये वो और सब पता चल जाएगा। अरे 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 अरे, क्या बात है दिया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वेब सीरीज, वो भी इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ में? इट ऑलरेडी लुक्स सो मच फन टू सी यू गाइस टुगेदर ऑन स्टेज। आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट एज येट, आई हैव जस्ट डन वन डे ऑफ वर्कशॉप्स एंड इट वाज अमेजिंग बिकॉज़ आई मेट आनंद फॉर द फर्स्ट टाइम and I think he's a very intelligent person, so I think he's an amazing actor. I've worked with a lot of newcomers. He is already so super in the workshops, and I think this is, I hate to say it about my own work, but this is going to be a hit. Wow. Thanks, I am sure, definitely. And Miraj Miracle ke through we are going to see, and I'm really very very honored and grateful for that. Thank you. Thank you so much. Madan ji, main aapse lambe samay se baat karna chah rahi thi. Ek to sabse pehli baat, aap dil se jo baatein karte hai na, बड़ा पसंद आता है मुझे। तो आज मैं चाहती हूँ आप दिल से बताएं कि इतना खुशमिजाज दिन है ये, यू नो वी लॉन्च्ड मिराज मिरेकल, आपको कितनी खुशी हो रही है और क्या सोच रहे हैं आप आज इस दिन के बारे में, इस वेंचर के बारे में? आपने जवाब दे दिया था जी, खुशी आई है ना, तो जाएगी भी, जाएगी तो वापस आएगी भी। बराबर बोला मैं आपके, सब वैसा ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है जी। अंधाधुंध और पत्ता प्राउड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रियली कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ मिराज, मिराज ग्रुप, मिराज मिरेकल, मिराज एंटरटेनमेंट एंड ऑल। दे हैव यू नो इट्स लाइक अ ब्रांच ऑफ अम्ब्रेलास दैट दे हैव जस्ट स्टार्टेड ओपनिंग वन अम्ब्रेला आफ्टर द अदर। सो विद मिरेकल बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अम्ब्रेलास अंडर द विंग, आई थिंक एज फार एज डिजिटल इज कंसर्न, द स्पेस ऑफ डिजिटल इज टेकिंग over by storm, you know, with all the other platforms that are there, all the other competitors that we have in the market. But we are very, very lucky that we have some really interesting content that's coming our way. And we are very lucky that we have somebody like Mr. Paliwal who's backing that content. Because most of the time there are people who just go out there with content and they don't really have a support system because there's not a door opening. This man's that one door that just opens to all, you know. So I think, first of all, for all those creative people out there, he's the man who one should thank. And apart from that, I think Sonal's doing a fabulous job as far as, you know, the digital platform is concerned. I saw the content a few days back also in the office. I'm seeing it now as a
as a cut and you know, put together. I think it's really interesting. It's very entertaining. I really liked the plot of Pati Patni or Wo, and I know you guys will kill it. It's going to be amazing. Thanks a lot. Andhadhun is brilliant. It's we are also going to go quickly on to the second season of it. And so I think in total, Miraj, first of all, his family, Miraj will always be a, you know, family. I'm going to be always a part of the Miraj family. For that, I have to thank my father figure out here. And thank you so much. We have a lot more that's coming our way as far as entertainment is concerned. But one step at a time, like he said, that we are just leaving one thing first right now. That's brilliant. एक और सवाल बस मैं आपसे पूछूंगी. हाँ, I'm sorry. We are going Mathura outdoor for this web series. So सब ब्रिजवासी हो जाएंगे. अरे वाह 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 वाह. तो इससे पहले मैं कह रही थी, इससे पहले कि हम पूछें अगर कुछ सवाल हैं लोगों के पास, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, which is just not related to this. लोग आपसे बात करते कैसे हैं? आपसे ऐसे बात करते करते ऐसे बेहोश नहीं हो जाते? आप बात करते रहो, हम यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं. Not at all. Thank you. That's a compliment. I just. I don't know. It's a compliment for you, but it's a danger for us. Yeah. Don't worry. I'll hold your hand. Oh my God! Oh my God! All right. Thank you so much. It's such a fabulous team this is. If we have any questions, the team is right here. कोई भी सवाल? We do have a question. All right. मदन जी, आपसे सवाल है. ऐसे सीमित रखना कि कुछ और नहीं. कॉन्सेप्ट नए आइडियाज इसके साथ जुड़ने जा रहे हैं आप? अभी तो स्टार्ट किया है. देखिए, एमलेस आदमी हूँ, जहाँ तक पहुँच जाएंगे वही मुकाम. क्या बात है. मीटू के इस दौर में पति पत्नी और वो ये आइडिया और हिम्मत कहाँ से आई और आगे क्या क्या करने जा रहे हैं वो भी आज ओपन कर दीजिए. वो क्या है कि इंटायर टीम है ना जो करने वाली, इनसे आपको पूछना पड़ेगा. ये तो केवल टेलीफोनिक मुझसे यस ले रहे हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है करो भाई, कि ये ओहो हो करने जा रहे हैं. मैंने कहा करो भाई. कुल मिला के मज़ा ही आया ओहो हो देख के, है ना. तो हमको वहाँ मज़ा आ रहा है उदयपुर में, आप यहाँ बना रहे हो, हमको भेज रहे हो. और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं इस बारे में, लोगों को अच्छा लग रहा है. आप धन्यवाद के पात्र हैं. थैंक यू सर. रिया, मेरा सवाल आपसे है. बहुत एक लंबे गैप के बाद एक खूबसूरत ग्लैमरस चेहरा वेब सीरीज की ओर है. आपने क्या सोचकर इसमें कदम रखा है? well, एक साल, बड़े पर्दे को छोड़कर यहाँ वेब सीरीज कर रही हूँ. एक साल बाद आफ्टर रागिनी MMS और I got lot of offers in the middle, लेकिन सब बहुत ही स्लीज था उसमें या लैंग्वेज का प्रॉब्लम था. और मैंने सोचा मैं इंडिया में वेब सीरीज एवरीवन जस्ट मतलब वो लोग जब वेब सीरीज बनाते हैं इंडिया में जस्ट मीन्स दैट जस्ट थ्रो इन समथिंग बिकॉज there is no censorship. Aur ye script mein I think it's just situational, it's comedy, it's a film format, and I just thought that everything is just perfect for like a web series, like a proper substantial web series with a subject that everyone can relate to, not only sex oriented. And that's why maine wait kiya aur abhi main ye web series shoot kar rahi hu, and I am very very delighted to have been given this opportunity, and this offer has just like fallen from nowhere. I'm very happy. Thank you. Okay, mera sawal Neel sir se hai. Neel sir, aap associated hain Madan sir ke sath, to what's kya kya khubi hai as in producer inki, kitni liberty dete hain aapko ye aapka jo idea hai, jo aapka vision hai usko pura hone mein? You know, thanks for asking the question. I think most importantly is it's very important to have somebody who himself is very creative when he's handling such a big creative wing. So I think Mr. Paliwal himself is beautifully gifted. He's very, very creative a man. He's very good with his vocabulary, with his music sense, with his story sense. He's such a learned man himself. So it just makes the entire process very easy for us when we have someone like him on board, because we might sometimes overlook a few aspects as far as some stories are concerned, but when he goes there and he kind of looks into all those things, he can say, okay, yeah, this kind of works for me. And up till now, whatever he's, you know, put his hands on, it's worked for us. So he is like a blessing, like I mentioned earlier also. Okay, he's a complete blessing to all the creative people associated with Miraj. Yeah. नील सर, साथ साथ आपको हम शुभकामनाएं और मुबारकबाद भी देना चाहेंगे. NNM जो अभी एज एन लॉन्च हुआ है साथ में एसोसिएटेड विद मदन सर, तो कुछ NNM के बारे में बताएं, क्या क्या आने वाला है. सुना है, सूत्रों से पता चला है कि बाईपास रोड की शूटिंग बहुत
बेहतर हो रही है और yeah, we are 60% almost done with the film and of course it's being produced by Miraj Entertainment and NNM Films is the creative producers of the film and 60% of the film's done is being directed by my younger brother Naman it's been written by me so we're very happy it's a thriller it's a suspense thriller we can't really say much of it but the star cast is fabulous we've got from Rajit Kapoor to Gulpanag we've got Manish Chaudhary we've got Sudhanshu Pandey so it's an ensemble it's, it'll remind you a lot of my film Johnny Gattar in a way but 2018 revamped to Adha another Sharma. level yeah Adha of course Adha Sharma the leading lady in fact we have some fabulous stunts and some major thrill portions that we are going to be shooting in the next 2 days now yeah okay anil sir celebration ka mahol hum chahenge naman sir bhi aaye aur aap sabko join kare aur unse bhi kuch sure, sure. baat ho paaye yeah naman there you are come so miraj let me just basically tell you it's not just limited to only digital content that we are making right now with miraj but miraj is going really you know vast with its film production etc so hopefully in the next couple of years you will see that we are coming up with a lot of film productions as well and I'm very very proud and very glad that I'm associated he considered me worthy of being a part of his company he's made me a director of the company and I just hope that whatever content that we are developing with him for him he's happy otherwise my directorship will go okay naman sir hum bhi aap se janna chahenge sir what do you have to say about this pehli next question to amit bilkul bilkul naman sir ke baad please say something sorry can you repeat your question please kya kehna chahenge apne kyunki neel sir ne aapko support kar rahe hain kyunki aap talented hai obviously aur madan sir bhi aapke sath khade hue hain to kya experiences rahe jo bhi shooting rahi hai aapki kya kehna chahenge apne is pehle I think it's phenomenal the way we are going of course having a father figure like him and a father figure like him backing me from day one it's been a phenomenal experience everybody's come together on the same page creatively the cooperation that we've got from all HODs right down to the smallest people working on the film it's been amazing thank you bas pehli baat to main zarur congratulations dena chahunga miraj group ko unke md mr madan paliwal ji ko pure hi group ko sonal deshpande प्रवीण पूरा ही ग्रुप जो है हमारे मिराज एंटरटेनमेंट का मिराज ग्रुप का उन सभी को बधाई देना चाहूँगा कि इतने बड़े पैमाने पे आज ये लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल की दुनिया आज आप जानते हैं कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसी बीच में जब एक ऐसा हमें मौका मिला है तो आई थिंक एज अ मिराज ग्रुप वी डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू ऑफर टू द पीपल सर बात करें आप आपके क्या आने वाले वेब सीरीज कोई प्रोजेक्ट वगैरह उनके बारे में बात करें वेल फिलहाल तो आप जैसे अगर शायद पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं बट मिराज एंटरटेनमेंट का एक डायरेक्टर हूँ मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं साथ में वेब सीरीज से लेके फिल्म्स तक इनफैक्ट होंगे उसके अंदर मैं उनके साथ प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ डायरेक्ट भी कर रहा हूँ एक्ट भी कर रहा हूँ तो बहुत कुछ हम साथ में एज अ फैमिली वी आर डूइंग इट इनफैक्ट कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ और एंटरटेनमेंट के ग्रुप का तो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉट ऑफ कंटेंट सो इनफैक्ट दिस ईयर वी आर पुटिंग अबाउट 3 फिल्म्स ऑन फ्लोर 3 फीचर फिल्म्स फर्स्ट वन इज ऑलरेडी ऑन फ्लोर अबाउट 65% ऑलरेडी डन 65-70% डन इट्स कॉल्ड बाईपास रोड इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय माय यंगर ब्रदर नमन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिजिटल लॉन्च टुडे एंड विश अस लक किस तरह की सीरीज रहेगी सर ये इसमें एक हर किस्म की इसमें कॉमेडीज होंगी थ्रिलर्स होंगी हॉरर होगा थ्रिलर तो हम ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट जरूर करेंगे बट या विल कंटिन्यू इवेंट्स अबाउट इट हाय गाइस दिस इज नील नितिन मुकेश विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गॉड ब्लेस जी बहुत बड़ा मौका है बहुत बड़ा अवसर है मिराज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक नमकीन और पराठे हम लोग उस तरह से खा के और मज़ा लेते थे अब वही नमकीन और पराठे खाते खाते हम इनका चैनल भी देखेंगे एंटरटेनमेंट भी मिलेगा तो बहुत ही खुशी की बात है अच्छा मौका है बहुत बड़ा मौका है आपकी भी एक जी 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 हमारी जो वेब सीरीज़ है अंधाधुंध कानून उसका नाम है और ऑलरेडी 3 सीज़न उसके आउट हो चुके हैं कोर्ट रूम ड्रामा है एक हस्बैंड वाइफ हैं वो दोनों वकील हैं
और मैं उसमें जज प्ले कर रहा हूँ, तो दोनों आपस में ही कुछ, लेकिन सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि नॉर्मल केसेस नहीं है, केसेस जो भी केस हम कोर्ट में लड़ रहे हैं बहुत ही अतरंगी केसेस हैं, और उसके ऊपर फिर अतरंगी सा ही एक फैसला जज साहब की तरफ से आता है, तो आउट एंड आउट कॉमेडी है, एंटरटेन करने की कोशिश है छोटी सी। सर, वेब सीरीज से कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है एक आर्टिस्ट के लिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो वेब सीरीज कर रहे हैं आपसे बात करें? जी देखिए, इसमें सबका अलग अलग कोट होता है, जो मैं अपना पर्सनली अगर मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि वेब सीरीज करने से आपको एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आपके पास वक्त ज़्यादा होता है। आप अगर सीरियल की बात करें, अगर सीरियल से मैं कंपेयर करूँ, सीरियल में आजकल एक फैक्ट्री टाइप हो गया, उतना वक्त आपको मिलता नहीं, जबकि रोज़ का एक एपिसोड जाना है, आप चाहते हुए भी इतना टाइम कोई आपको दे नहीं पाता, आपके पास होता नहीं है। लेकिन वेब सीरीज़ जब आप करते हैं, जैसे कि फिल्मों में आपके पास वक्त होता है, एक पूरी स्क्रिप्ट होती है बॉन्ड, तो आपके पास वक्त होता है, आप अपने कैरेक्टर पर तैयारी कर सकते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप चीज़ों के साथ कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट है वेब सीरीज़ का। जी जी बिल्कुल, देखिए अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छा परफॉर्मेंसेज होंगे, अच्छा डायरेक्शन होगा, ऐसी चीज़ होगी जो ऑडियंस को पसंद आएगी। ऑडियंस ये नहीं देखती है कि कौन काम कर रहा है, उसको चीज़ पसंद आती है। आप देखते हैं कि कई बार छोटे छोटे बजट की फिल्में भी जिसमें न्यू कमर्स होते हैं वो भी काफ़ी कमाल कर जाते हैं, और बड़ी बड़ी फिल्में भी कई बार नहीं चल पाती। तो ऐसे ही जो भी, मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ आप अच्छे तरीके से मेहनत से बनाएंगे और ऐसी चीज़ जो ऑडियंस पसंद करे, तो ज़रूर उसको आगे जाना ही। ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी वेब सीरीज़ है अंधाधुंध कानून मिराज डिजिटल मिरेकल पे, आप उसको ज़रूर देखिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप वो देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही, और एकदम साफ़ सुथरा एंटरटेनमेंट है, कोई इसमें डबल मीनिंग, कोई इसमें गलत अश्लील कुछ नहीं है, तो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं और पक्के तौर पर आप एंटरटेन होंगे। जी मेरा हरियाणवी टाइप का करेक्टर है, तो हरियाणवी क्योंकि जज है तो थोड़ा सा हरियाणवी उसको रखा हुआ है, तो और ये क्या है जो हस्बैंड वाइफ जो मैंने आपको बताया ना, उसमें थोड़ा सा अब है तो आदमी ना, थोड़ा सा जो महिला जो हैं उसकी तरफ थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है भाई, थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है भाई, महिला जी भाई ये जीत जाए तो अच्छा हो। बाकी अब पुरुष जो है उसमें जो वकील है दूसरा, जो उसका हस्बैंड है, वो थोड़ा सा चालू टाइप का आदमी है, वो कुछ नई नई तरकीबें, नए नए कुछ खुरापात लेके आता रहता है केस में, तो जज साहब को ना चाहते हुए भी उसको ही सही बोलना पड़ता है, भाई बात तो तुम्हारी सही है। अब इसमें भी क्या है, पॉइंट में दम होता है, लेकिन जज साहब का पॉइंट में दम जो है ना वो ख़राब हो चुका है, तो कोई भी पॉइंट अगर वो दम के कोई भी पॉइंट ऐसा हो जिसमें दम हो, तो पॉइंट में दम की जगह जज साहब बोलते हैं दम में पॉइंट है, तो ये एक उनका फनी सा तकिया कलाम है, तो ये कैरेक्टर है। एक साल के बाद मैं एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ, और ये कॉमेडी है, हरजीत छाबड़ा प्रोड्यूसर है और निशीत डायरेक्टर है, आनंद हमारा कोस्टा है, और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये कॉमेडी वेब सीरीज़ है, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आई रियलाइज दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ हिट। आई थिंक कॉमेडीज़ के साथ मैंने फिल्म्स भी शुरू किया, एंड इट्स ऑलवेज बिन लाइक अ शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला टू सक्सेस, एंड आई जस्ट लव इट। इस वेब सीरीज़ में कोई कुछ स्लीज नहीं है, कुछ सेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स सिचुएशनल कॉमेडी, और हर सीन, एवरी सीन इज जस्ट एक्सट्रीमली फनी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अपने कैरेक्टर के बारे में क्या? मेरी कैरेक्टर, मैं एक किस तरीके का, मैं एक हाफ बंगाली गर्ल प्ले कर रही हूँ, और अभी मेरा नाम फिल्म में स्वीटी है, लेकिन हम लोग चेंज कर रहे हैं वो नाम टू रिम झिम, एक बंगाली कैरेक्टर हूँ मैं, एंड शी सपोज टू बी वेरी प्रिटी, और वो यूपी में रहती है, एंड शी वॉन्ट्स टू मेक हर मैरिज वर्क, एंड शी गेट्स मैरिड, एंड बेसिकली इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी, तो दैट्स ऑल आई कैन रिवील राइट नाउ। कितना कंफर्टेबल से काम करने में ये कैरेक्टर करने में, बंगाली जो किरदार था बंगाली में आपके लिए काफी? हाँ, बंगाली कैरेक्टर है, लेकिन मैं हिंदी में ही डायलॉग बोल रही हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली बॉलीवुड में बंगाली कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और वेब सीरीज़ के लिए ये वेब सीरीज़ के टाइप वेब सीरीज़ नहीं है, दिस इज़ वेरी मच लाइक अ फिल्म, एंड दैट्स व्हाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है?
यही मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है और एक बंगाली फिल्म मैंने अभी कंप्लीट किया है. एक्चुअली मिराज कंपनी के साथ मैंने ये फर्स्ट प्रोजेक्ट किया है एज अ वेब सीरीज और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत प्यारे लोग हैं, इट्स लाइक अ फैमिली पीपल और इतना मज़ा आया. और बाय द वे जो मैंने वेब सीरीज की है इट्स अ कॉमेडी वेब सीरीज अंधाधुन कानून. तो अंधाधुन कानून लाइक एंग्लिंग लॉयर फर्स्ट टाइम एंग्लिंग लॉयर और कॉमेडी है. सारे लाइन्स होती हैं लर्न करने को बोलना होता है. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल बट बहुत मज़ा आया हम लोग करके. एंड इतनी अच्छी टीम थी हम लोगों ने सीजन पे सीजन ऐसे फिनिश किए. लाइक हाँ विल टेक टाइम, हम लोगों ने टाइम लिया बट देन उसके बाद बहुत अच्छे से. क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज में और सीरियल में कितना डिफरेंस है? बड़े बड़े शो कर चुके हैं आप. एक्चुअली डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज सीरियल में लाइक आपको होता है टाइमिंग्स होती है. लाइक आपको रोज़ इतना फुटेज निकालना है, टाइम नहीं है जल्दी जल्दी सीन करना है. सीन में आई थिंक टाइम नहीं मिल पाता है एज एन एक्टर. हाँ स्टार्टिंग में ऑफकोर्स जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो बहुत टाइम मिलता है बट देन उसके बाद जब आप मिड तक पहुँचते हो आपको कैरेक्टर समझ में आते हैं देन आप ऑब्वियसली अपना करते रहते हो. बट नाउ वेब सीरीज में हम लोगों को इधर ऑन आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है आपके किरदार की इसमें बात करें? मेरा आई एम प्लेइंग पायल. सो पायल और अनिरुद्ध जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो लोग कोर्ट में एक केस लड़ रहे हैं और आपस में मतलब पायल इज़ वेरी मतलब इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती है और उसको पता है उसका जो पति है अनिरुद्ध वो बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है. खामा खा के केसेस लेकर आता है और उसमें कुछ मतलब कुछ लॉजिक नहीं है पर हमारे जज साहब जो हैं वो भी उनकी बातों में आ जाते हैं तो उनको बहुत ही क्लियरली प्रूफ देकर समझाना पड़ता है. सो यह बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है पायल के लिए बट पायल हार नहीं मानती है, वो पूरा केस सॉल्व करती है. कितना हरियाणवी है आप, कितना कंफर्टेबल था आपके लिए? हरियाणा मैं ऑफकोर्स जा रही हूँ बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मैं प्रॉपर दिल्ली से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ. हाँ सो मुझे लैंग्वेज को में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई एम वेरी फ्री इन द लैंग्वेजेस एंड हाँ बिकॉज मुझे जाट लैंग्वेज मैं कभी बोलती नहीं हूँ बट हाँ आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मेरठ सो आई नो द लैंग्वेज. सो मैं जाट वाली लैंग्वेज में बोल बहुत अच्छी. थैंक यू. नहीं